करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की, बड़ी और अहम जानकारी आपको देंगे। यूपी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अहम बैठक, जाट नेताओं और अमित शाह की अहम बैठक हो रही है। कैप्टन अभिमन्यु भी बैठक का हिस्सा है। यूपी चुनाव के मद्देनजर ये बैठक बेहद खास, सह प्रभारी है कैप्टन अभिमन्यु सांसद प्रवेश वर्मा के घर में जुट रहे हैं बीजेपी नेता। बैठकों को दिया सामाजिक भाईचारे का नाम। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर है, अहम तस्वीरों के साथ में ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तमाम जाट नेताओं के साथ में मुलाकात हो रही है, जाट प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात हो रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के संदर्भ में दिल्ली में आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से दिल्ली में एक बड़ी बैठक जो है विधानसभा चुनाव के संदर्भ में यहां पर आयोजित की गई है। हालांकि इस बैठक को नाम सामाजिक भाईचारा बैठक दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से मजबूत हो सकती है उसी को लेकर आज जो जाट समुदाय है उनके साथ जो है गृह मंत्री अमित शाह बैठक करते हुए नजर आएंगे। इस बैठक की बात करें तो तमाम जो बड़े नेता है वो यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, पूर्व वित्त मंत्री, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के जो सह प्रभारी हैं कैप्टन अभिमन्यु वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। प्रवेश वर्मा सांसद इनके आवास पर जो ये बैठक है वो अभी होती हुई जो है नजर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह जो है तमाम नेताओं से फीडबैक कहीं ना कहीं लेते हुए नजर आएंगे। ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो विधानसभा चुनाव है बीजेपी के लिए वो कितना अहम है और तमाम जो जो चीजें हैं उसको साधने की जो कोशिशें हैं वो भारतीय जनता पार्टी जो है करने की कोशिश जो है कर रही है, चाहे वो क्षेत्रीय समीकरणों की बात की जाए या फिर जो जातिगत समीकरण है उन तमाम समीकरणों को साधते हुए ये जो बैठक है। फिलहाल जो जो सांसद प्रवेश वर्मा है उनके आवास पर जो है कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। तो ग्राउंड जीरो की अहम तस्वीरें आपने देखी और इसी पर ताजा जानकारी के लिए स्पर्श शर्मा हमारे साथ में मौजूद हैं ग्राउंड जीरो से। स्पर्श, आप ग्राउंड पर मौजूद थे, तमाम प्रतिनिधियों से आपने बातचीत भी की होगी, कैसा जो है रुख नजर आ रहा है तमाम प्रतिनिधियों का? और देखिए तमाम लोग जो है अमित शाह को सुनने के लिए आए हुए हैं। अमित शाह किस तरह की बात रखते हैं इन तमाम नेताओं के सामने उसके बाद जो है कहीं ना कहीं मूड बनाने की जो कोशिशें हैं वो तमाम नेता करते हुए नजर आएंगे। हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, ये आप सांसद प्रवेश वर्मा का जो है आवास है, इसी में अंदर बैठक जो है चलती हुई नजर आ रही है। मुजफ्फरनगर में नेता यहाँ पर आए हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो करीब 113 सीटें वहां पर हैं, 18% जाट वोटर जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऐसे में इनको किस तरीके से जो है अपने में जो है साधा जा सकता है, क्योंकि पिछले बार विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी को जो है मिलती हुई नजर आई थी, लेकिन इस बार चुनौती बड़ी है। किसान आंदोलन जो है होता नजर आया था उसका कितना असर है, और ऐसे में जो एसपी और अन्य जो उनके साथ में गठबंधन पार्टियां हैं वो आज जो है चुनाव जो है साथ में मिलकर लड़ रही हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है। लेकिन जिस तरीके से अजगर फैक्टर की हम बात करें, जिसमें अहीर की बात करें, जाट की बात करें, गुर्जर की बात करें, इनको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है साधती भी नजर आ सकती है वो आज जो है आज की इस बैठक में होता हुआ नजर आएगा। तमाम बड़े नेताओं की बात करें तो यहां पर वो पहुंचे हुए हैं, संजीव बालियान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री जिनको सह प्रभारी की ड्यूटी दी गई है, कैप्टन अभिमन्यु वो यहाँ पर है, धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर है। ठीक है, तो ऐसे में आज मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी और मेरे माध्यम से तमाम जनता भी ये जानना चाहेगी। देखिए तमाम जो जाट प्रतिनिधि यहाँ पर जुटे हैं प्रवेश वर्मा के घर पे, ये तमाम लोग बीजेपी से कहीं ना कहीं संबद्ध हैं, और अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो ऐसा नहीं है कि सभी के समर्थन में लोग हैं या सभी के विरोध में लोग हैं। तो क्या यहां पर तमाम जाट प्रतिनिधियों के जुट जाने भर को हम ये समझ लें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीजेपी के ताले में बंद हो गया है? देखिए बीजेपी कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से बीजेपी जो है जो समुदाय है उसके साथ में खड़ी हुई है। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है उसमें बीजेपी जो है लगातार कार्य करती हुई नजर आ रही है, चाहे शुगर किसानों की बात हो या फिर जो गन्ना किसान है, शुगर मिल की बात हो, उसके साथ साथ तमाम अगर हम बात करें तो जो किसान आंदोलन था उसको भी जो है बीजेपी ने जो है 3 कृषि कानून वापस जो है उनकी तरफ से लिए गए,
कैराना में हमने देखा कि अमित शाह जो है डोर टू डोर प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे, इसके साथ साथ आने वाले समय में भी जो है अमित शाह वहां पर दौरे करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में पहले और दूसरे चरण में चूंकि वहां पर चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी पूरा दमखम वहां पर लगाना चाहती है और इसलिए संदेश देने की कोशिश जो है। और सबसे बड़ी बात है स्पर्श, सबसे बड़ी बात ये भी है कि कहीं ना कहीं देखिए कैराना से शुरुआत करी अमित शाह ने, मृगांका सिंह के पक्ष में शुरुआत ये हुई थी अमित शाह की ओर से, और जब उनका काफिला निकलता है मृगांका सिंह का उस क्षेत्र से तो उनका विरोध होता है, पथराव होता है, और ये बीजेपी समझ रही है कि ग्राउंड जीरो पर कहीं ना कहीं मुसीबत है उनके लिए। यही वजह है कि आज की ये जो तस्वीरें हैं ये बेहद खास हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया स्पर्श हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।